आज हमें कंप्लीट करना था कार केक का ऑर्डर, तो इसे बनाना था हमें मिक्स फ्रूट फ्लेवर में, वो भी 1 kg। तो मैंने फटाफट से क्रम कोट कर लिया, क्रम कोट करके मैंने केक को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिया। जब केक ठंडा हो गया तो मैंने इसे इस तरीके से 2 कट लगा दिए और दोनों कटे हुए पार्ट्स को मैंने केक के ऊपर रख दिया। थोड़ा सा साइड से स्क्रैप किया जिससे कि हमारा जो कार केक है उसका शेप प्रॉपर आ जाए। उसके बाद मैंने फिर से इसे क्रम कोट करके सेट किया और मैंने ट्रफल की हेल्प से आउटलाइन बना ली। आउटलाइन बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी टूथपिक से मार्क कर लिया था कि मुझे कहाँ आउटलाइंस बनाने हैं। इसके बाद हम केक को कलर करेंगे। कलर करने के लिए यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू एंड वाइट कलर लिया है। थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए मैंने येलो कलर की हेडलाइट्स बना दी है और मैंने पूरे केक को ब्लू कवर कर दिया। इसके बाद मैंने फॉन्डेंट से व्हील्स को कट कर लिया। मैंने 4 राउंड शेप के फॉन्डेंट कट किए और व्हील्स के जिस जगह पे मैंने इन्हें लगा दिया। फिर मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग वाइट चॉकलेट गनाश से कर दी और ग्रीन कलर की ग्रास से मैंने केक को कंप्लीट कर दिया। ये केक बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए। आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।